नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर संख्या है 24 उपभोक्ता सहकारिता कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आज का टॉपिक रहेगा उपभोक्ता सहकारिता का क्या अर्थ है और विभिन्न परिभाषाएं और क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी यूनिट संख्या 5 रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर में चल रही है, जो उपभोक्ता सहकारिता भी आपके यूनिट संख्या 5 की श्रेणी में आते हैं। तो उपभोक्ता सहकारिता की हम बात करें तो उपभोक्ता सहकारी समितियाँ या उपभोक्ताओं का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है जो कि उपभोग वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति के उद्देश्य से इनको स्थापित किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता सीधे निर्माताओं से थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदकर आवश्यकता अनुसार वितरित कर लेते हैं और उससे उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुएं शुद्ध सही तौल एवं उचित कीमत पर उपलब्ध हो पाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सहकारी समितियां उपभोक्ताओं का ऐसा संगठन हो गया है जिससे थोक व्यापारियों से वस्तुएं खरीद के सही तौल पर उचित कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। वो क्या आती है? उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत आती है, जो कि अपन दैनिक जीवन में मार्केट्स में या दैनिक जीवन में काम में आने वाली ये चीज़ें हैं। अब इसकी परिभाषाओं की बात करें, प्रोफेसर SB राव कहते हैं कि सहकारी उपभोक्ता भंडार उपभोक्ताओं का एक ऐसा आर्थिक संघ है जिसका प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा जनतांत्रिक ढंग से उसकी घरेलू उपभोग संबंधी आवश्यकताओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रोफेसर AM कोर्सोडर्स भी कहते हैं कि उपभोक्ता सहकारी समिति या उपभोक्ताओं के नियंत्रण में गठित स्वैच्छिक संगठन है जो उत्पादन या थोक बिक्री या वितरण के उद्देश्य से कार्य करती हैं। स्थानीय फुटकर समितियां मुख्य रूप से फुटकर वितरण में व्यस्त रहती हैं, जबकि थोक संघ उत्पादन या फुटकर समितियों के लिए माल क्रय करते हैं, संबंधित सदस्यों को अनेक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अब हम निष्कर्ष रूप से बात करें कि उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों या उपभोक्ताओं को उचित मूल्य या स्वच्छ शुद्ध वस्तुएँ सेवाएँ उपलब्ध करवाना है, ताकि मध्यस्थों के शोषणों से मुक्त किया जा सके। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता सहकारिता के कौन कौन से उद्देश्य हैं। उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, प्रथम उद्देश्य है बिचौलियों को समाप्त करना, जो मध्यस्थ हैं उनको क्या करना, समाप्त करना। जो मध्यस्थ हैं, बिचौलियां हैं, उनको क्या करना है, समाप्त करना है। किस प्रकार से? क्या क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं को वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इन मध्यस्थों में उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, जबकि सहकारी नियंत्रण के द्वारा इनकी अनुचित कार्यवाही पर अंकुश लगाया जा सकता है। इनमें से प्राप्त या व्याप्त अनियमितताओं में बुराओं को उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा ही बंद या उसको मिटाया जा सकता है। अतः इन समितियों की स्थापना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात करें उत्पादकों की एकाधिकारी समाप्त, जो उत्पादक हैं उनकी एकाधिकारों की समाप्ति है, क्योंकि इन समितियों का दूसरा उद्देश्य बड़े पैमाने से उत्पादकों को एकाधिकार को समाप्त करना है। इससे उपभोक्ताओं को उसके एकाधिकारक या प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहारों से मुक्त करवाया जा सके।
तो दूसरा ये है। तीसरे हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो तीसरे ऑब्जेक्टिव में मांग व पूर्ति में संतुलन, मांग व पूर्ति में संतुलन की स्थिति के आधार पर भी ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब उपभोक्ता समितियों का मुख्य उद्देश्य मांग व पूर्ति को भी संतुलन बनाए रखना है, जिसमें जब उपभोक्ता स्वयं सहकारी आधार पर माल का वितरण करेंगे तो वह मांग व पूर्ति में संतुलन होना स्वाभाविक है, इससे वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रहेगी। दूसरा है उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि। यहाँ पर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि की बात करें तो उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा सही मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर परिणाम यह होता है कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, इससे पहले जितनी आय से अधिक वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। तो ये भी है। दूसरी हम बात करें पॉइंट की, छोटे उत्पादकों या उत्पादों को संरक्षण है, छोटे उत्पादों को संरक्षण की बात करें तो छोटे उत्पादों को संरक्षण के लिए कभी कभी छोटे उत्पादों को अपना माल बेचने के लिए लागत से कम मूल्य वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं, जिससे लाभ के स्थान पर हानि होती है, और छोटे उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता समितियों द्वारा निश्चित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्यों में यह महत्वपूर्ण है, जिसमें बिचौलियों को समाप्त करना, उत्पादों का एकाधिकार की समाप्ति करना, मांग पूर्ति में संतुलन, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि और छोटे उत्पादकों के संरक्षण। दूसरे है अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश, अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश, अवांछित जो भी व्यापारिक प्रवृत्तियां हैं उन पे अंकुश की स्थिति रहती है कि किस प्रकार उपभोक्ता को मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसी प्रवृत्ति हैं जिसपे अंकुश रहता है। तो अंकुश में बात करें तो व्यापारी लोग उपभोक्ताओं को कम तोल या मिलावट, कालाबाजारी आदि से ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसको कम करना है और जिससे वह लाभ को अधिकतम कर सकें। तो अगला बिंदु है मितव्यता एवं बचतों को प्रोत्साहन, मितव्यता एवं बचतों को प्रोत्साहन, मितव्यता एवं बचतों को प्रोत्साहन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत मितव्यता और जो बचत प्रवृत्ति है उनको प्रोत्साहन का भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सहकारी उपभोक्ताओं के भी भंडारों की सुविधाओं में कोई भी वस्तुएं उधार में नहीं मिलती हैं, क्योंकि मूल्य सही मूल्य पर मिल पाती हैं। तो सही मूल्यों के अंतर्गत हम बात करें तो इनकी संभावना जो वसूली मूल्य है वो सही होती है, जिससे बचतों को काफ़ी प्रोत्साहन होता है। अगला है मूल्यों में स्थिरता की स्थिति भी उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मूल्य में जब स्थिरता रहेगी तो मार्केट में वस्तुएं सही एवं सुगम या अच्छी वस्तुओं का क्रियान्वयन हो पाता है। तो मूल्यों में स्थिरता की बात करें तो देश में व्यापारिक गण या अनायास की मूल्यों में मनमानी वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता की स्थिति दंडनीय हो जाती है। उपभोक्ता भंडारण मध्यस्थों को समाप्त करके मूल्य वृद्धि को रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उपभोक्ता समितियों माल का स्टॉक कर लेती हैं, जैसे ही व्यापारी लोग मूल्य में वृद्धि करते हैं बाजार में स्टॉक निकालकर उचित मूल्य उपभोक्ता की वस्तुओं में उपलब्ध करवाते हैं, जिससे स्वतः ही मूल्य वृद्धि पर प्रतिबंध लग जाता है। तो इस प्रकार ये समितियाँ मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अहम रहती हैं। अगला है सही मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति, सही मूल्यों पर
वस्तुओं की पूर्ति, सही मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति भी एक अहम है, क्योंकि सही मूल्य पर अगर वस्तु की पूर्ति होगी तो उपभोक्ता सहकारी भंडारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों में शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाना भी माना गया है। एक सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली, दसवां पॉइंट है सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली। सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली में जब उपभोक्ता सहकारी समितियों को एक वितरण का माध्यम सुव्यवस्थित प्रणाली जब स्थापित करनी चाहिए, इससे व्यापारी लोग वस्तुओं को संग्रह करके बाजार में कृत्रिम स्थिति पैदा कर सकते हैं, इससे कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी उपभोक्ता या वस्तुओं के सेवाओं में निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करके वितरण का प्रभावी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगले क्रम में अपने सदस्यों में परस्पर सहयोग पॉइंट है, यानी सदस्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा भी ये उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत होता है, जिसमें उपभोक्ता के परस्पर संबंध के अंतर्गत उपभोक्ता सहकारी समिति की स्थापना यह आवश्यक है। कि उपभोक्ता सहकारिता के उद्देश्यों पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो गया है कि मूल्य नियंत्रण या सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता सहकारिता की स्थापना एक वांछनीय हो गई है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत हमने ये देख किया कि कोई उत्पादक या प्रोड्यूसर थोक में कोई वस्तु को क्रय करते हैं, जिसमें उचित मूल्य पर वस्तु को क्रय करके ग्राहकों को सही मूल्य पर वस्तुएं वितरण करके लाभ कमाते हैं। तो इसमें मुख्यतया इसके जो मैंने उद्देश्य बताए ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें बिचौलियों का अंत हो जाता है और उत्पादकों की एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है, मांग व पूर्ति में डिमांड और सप्लाई में संतुलन इक्विलिब्रियम रह पाता है और उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि हो पाती है। तो छोटे उत्पादकों का संरक्षण और सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली और अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लग पाता है। तो इस प्रकार मितव्यता और वस्तुओं को प्रोत्साहन मिल पाता है और मूल्यों में स्थिरता और सही मूल्यों पर वस्तुएं मिल पाती हैं। ये इसके मेन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हम इसी क्रम में उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत तो और भी इनके विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की बात करें तो इससे एक तो मार्केट में वस्तुएं विद्यमान हो जाती हैं और जो विद्यमान वस्तुएं हैं वो उचित मूल्य पर हमें आसानी से मिल पाती हैं, जिससे ग्राहक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को वस्तुओं को प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को आसानी से काम में ले सकते हैं, जिससे उनको किसी भी प्रकार की वस्तुओं में कमी या फिर घरेलू या फिर जो आवश्यक अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी कमी नहीं रहेगी। तो उपभोक्ता सहकारिता का इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हो पाता है कि सही मूल्यों पर सही दाम पे सही तौर सही चीज़ें आसानी से मिल पाती हैं। तो जिसे अगर किसी प्रकार की कोई छल कपट हो पाता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना हुआ है 1986, उनमें विभिन्न स्तरों पर जिसमें जिला स्तर पर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से आप वाद दायर कर सकते हैं। एक निर्धारित सीमा अवधि उसमें अंकित होती है और निर्धारित समय अवधि और निर्धारित राशि के आधार पे जिला राज्य मंच या फिर राष्ट्रीय आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय मंच या राष्ट्रीय जो है निकाय उसके द्वारा इनका समाधान भी किया जा सकता है। इसमें उपभोक्ता सहकारिता के अंतर्गत वैसे नियमानुसार या सही तरीके से ही वस्तु का मूल्य क्रियान्वित हो पाता है, जिससे उपभोक्ता या उत्पादक आसानी से क्रियान्वित कर पाता है। तो हम इसी क्रम में अगले यूनिट्स में या फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रगति कौन सी रही और परियोजना काल में जो विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के जो अंतिम पंचवर्षीय योजना तक जो भी ये प्रगति रही है उनके बारे में हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।